गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर इज बेस्ड ऑन चेंज इन लीनियर मोमेंटम. किसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन? लीनियर मोमेंटम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से. किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, और लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो. ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक. एक बॉल है हॉकी की जिसका मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम. मास की जो एसआई यूनिट है केजी. हम कुछ भी क्वांटिटी ले सबको हम एसआई यूनिट में लेके चलेंगे. ठीक है, तो ग्राम को पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम के अंदर. तो क्या आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया? 0.2 केजी. ठीक है, कोई हॉकी बॉल है उस बॉल का मास दिया हुआ है 0.2 ग्राम केजी और वो बॉल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हॉकी स्टिक के साथ चल रही है. तो वेलोसिटी v की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड. ये पहले निकालो इसका. हमें निकालना है अंदर. नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है. सो एज टू रिटर्न, फिर वो वापस आई इट्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ. इसी ओरिजिनल पाथ से फिर वो वापस आई जिस पाथ से गई थी उसकी वेलोसिटी दी हुई है क्या? 5 मीटर पर सेकंड. तो पहले की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे? यू. जो बाद में आया उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे? वी. और वो रिटर्न आई है इसी पाथ से तो यानी -5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड द बाय द हॉकी स्टिक. क्या निकालना हमें? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो पहले यहाँ से निकाल लो इनिशियल लीनियर मोमेंटम. इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? पी. मास इनटू वेलोसिटी क्या है? यू. मास 0.2, वेलोसिटी कितनी है? 10. पॉइंटेड आया डिवाइडेड बाई 10. 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 2 kg मीटर पर सेकेंड. ये तो कौन सा आ गया अपना? इनिशियल लीनियर मोमेंटम. अब क्या निकालना है हमें? फाइनल. तो यहाँ पे निकाल लो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? पी. मास इंटू वेलोसिटी वी. मास 2 डिवाइडेड बाई 10. वेलोसिटी क्या है? -5. 2 से 2 कट कैंसिल तो कितनी आई? -1 kg मीटर पर सेकेंड. माइनस नेगेटिव साइन पता लग गया ना क्या है कि नेगेटिव साइन क्या? बिकॉज द बॉल रिट्रेस इट्स पाथ. रिटर्न आ रही है ना, तुमने क्या लिया इसका? नेगेटिव. फिर क्या निकालना हमें? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम. फाइनल कितना आया? -1. माइनस फॉर्मूले की साइड से इनिशियल कितना है? 2. तो कितना आया चेंज इन लीनियर मोमेंटम? -3 kg मीटर पर सेकंड. ये क्या आ गया अपना? चेंज इन लीनियर मोमेंट. समझ आया कैसे करना था? अब कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस हम करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उन दोनों में से हमें चेक करना है कि इनर्शिया किसका ज्यादा है. क्या चेक करना है? कि इनर्शिया किसका ज्यादा है. तो क्वेश्चन क्या है देखो. एक दिए हुए तुम्हें रबर बॉल. क्या है तुम्हारे पास? बॉल है और एक है तुम्हारे पास स्टोन. बॉल और क्या है? स्टोन. इनमें से बताना है इनर्शिया किसका ज्यादा है. तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जिसका मास ज्यादा
या भी ज्यादा होगा। तो रबर बॉल और स्टोन के कंपैरिजन में मास किसका ज्यादा है? स्टोन का। किसका मास ज्यादा है? स्टोन का। तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा हुआ? स्टोन का। तो मोर इनर्शिया किसका हुआ? स्टोन का। मोर इनर्शिया किसका हुआ? स्टोन का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमारे पास एक बुक है, एक पेंसिल है और एक पेन, ठीक है, और एक मान लेते हैं हमारे पास है वॉटर। वॉटर ये तीन ले लेते हैं, बुक, पेंसिल और पेन। अब चेक करना है कि किसका इनर्शिया ज्यादा है। तो देखो, इनर्शिया चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि मास किसका ज्यादा है। तो देखो, पेन का मास, पेंसिल का मास और बुक का मास, तीनों में से मास किसका ज्यादा है? बुक का। बुक का मास ज्यादा है तो इनर्जिया भी किसका ज्यादा होएगा? बुक का ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट एक और पार्ट। एक तो हमारे पास है एक कॉइन, ठीक है, और एक हमारे पास है 5 रुपीज ऑफ कॉइन। एक है एक और एक है 5। तो इनमें से इनर्जिया किसका ज्यादा हुआ? एक का ज्यादा होगा या 5 का ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? 5 कॉइन का इनर्जिया ज्यादा होगा। 5 कॉइन का मास भी ज्यादा हुआ। अब इसका मास ज्यादा हुआ तो इसका इनर्जिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से करने तुम्हारे तुम्हें ये इनर्जिया के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल। देखो क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी पे लीनियर मोमेंटम पे कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ है 100 kg। एन ऑब्जेक्ट टू मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर्म ए वेलोसिटी ऑफ। अब मास है 100 kg, क्या आप इसको कन्वर्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि मास के ऐसा यूनिट केजी, और ये केजी के अंदर ही है, और उसके वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग की वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u। फिर कह रहा है टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, और फिर उसने बोला कि जिसकी वेलोसिटी 5 से क्या हो गई? 8 हो गई। ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड के अंदर, उसकी वेलोसिटी 5 से क्या हो गई? 8 हो गई, ठीक है। निकालना क्या है? कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स निकालना है और इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियल लीनियर मोमेंटम मतलब पी मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 100, वेलोसिटी है 5। तो कितना आया? 500 kg/s, ठीक है। फाइनल लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी 100 × 8 कितना आ गया? 800 kg/s निकल गया। फिर क्या निकालना हमें निकालना है? अब निकालो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। 800 − 5 कितना आ गया? 300 kg/s। नेक्स्ट स्टेप में हमें फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा पी है, टाइम है। तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो फोर्स किसके कहलाएगा? डेल्टा पी 300 × 6 कितना आएगा? 50 न्यूटन। क्या आ गया इसका? फोर्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो तुम्हें डेरिवेशन भी करने हैं सबको, कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन कर लो, डेरिवेशन भी, कंसेप्ट भी, न्यूमेरिकल भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी, सब कुछ करना है, ठीक है। कल हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, ओके।